नहीं फोन नहीं तोड़ना, पागल हो, फोन क्यों तोड़ रहे हो, क्या हो गया आपको? नहीं फोन क्यों तोड़ रहे यार, फोन दो इधर। नहीं नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैंने आपको वीडियो छोड़ो ना, वीडियो क्यों डिलीट करूं मैं, उसमें कुछ गलत आपको कुछ अब्यूजिव मैंने कुछ बोला? फोन तोड़ दोगे? क्यों क्यों तोड़ोगे यार? आप ठीक हो आप, मतलब मेंटली स्टेबल हो, क्या चक्कर है भाई ये? पुलिस कंप्लेन कर दूंगी यार। आप बार बार पुलिस की बात क्या करते रहते हो, मतलब पुलिस कंप्लेन, हम कोई चोर है या डाकू? चलो तो करनी पड़ेगी, क्यों करूंगा वीडियो डिलीट में? फोन के पैसे भी आपको रखने पड़ेंगे यार। यार फोन क्यों तोड़ोगे यार? आप फोन तोड़ दोगे? फोन तोड़ दूंगी। क्यों तोड़ोगे फोन? वीडियो अगर डिलीट करो रीच पे इफेक्ट पड़ता है। पैसे नहीं चाहिए मुझे, पैसे क्या करने हैं मैंने? नहीं नहीं पैसे मुझे चाहिए नहीं, करूंगा पूरी। पैसे आप रखो फोन के, मैंने आपसे फोन लिया है तो आपने मेरे को फोन लेके दिया है। गाइस ये देख रहे हो भाई, ये क्या हुआ है? ये दिल तो नहीं है, हार्ट तो नहीं है, ये हार्ट है। चलो 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 मारो 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 मारो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप सब अच्छे हो, वेलकम ऑन आवर चैनल आलन ब्लॉग्स। तो कैसे मेरी YouTube फैमिली, होप सब अच्छे हो। तो गाइस देख रहे हो आज का ब्लॉग भी शुरू हो रहा है डायरेक्ट अपने रूम से। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं घूमट के लिए, बिकॉज अभी ऐसा सीन है आज ना, हमें फाइनल रैप डिसाइड करना है अपने हल्का। जैसे कि आपको पता होगा लास्ट टाइम जो हमने रैप करवाया था ना वो ब्लैक और ग्रीन था, पर गाइस इस बार सेम नहीं होने वाला है। अगर मैं सेम ही वापस से तैयार कर दूंगा तो आप लोगों को बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा और मुझे खुद भी मजा नहीं आएगा। तो गाइस इस बार हमने सोचा कि चीजों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, बहुत खतरनाक वाला और यूनिक वाला रैप होने वाला जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो गाइस आज रैप का पूरा फाइनल वाइनल कर लेगा, तो चलो अभी जल्दी से निकलते हैं। ये चेक करो मैंने राइडिंग गियर्स वगैरह पूरी तरीके से पहन लिए, अभी जल्दी से निकलते हैं। तो सीधा मिलता हूं आपसे मोटर व्लॉगिंग सेटअप पे। सो फाइनली गाइस ये चेक करो अभी मैंने मोटर व्लॉगिंग सेटअप पहन लिया, एंड गाइस चलो जल्दी से अभी अपनी बाइक को कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस ये लगा दी की और ये होगी हमारी बाइक कोल्ड स्टार्ट। और गाइस मुझे ये नहीं समझ आ रही है मेरा ये वाला क्लच कैसे टूटा भाई। गाइस कल शाम को मैंने ये देखा कि यहाँ से क्लच टूट गया हुआ है, पता नहीं कैसे टूट गया यार, ये मुझे समझ नहीं आ रही है क्या सीन हुआ इसके साथ। ना बाइक गिरी ना कुछ हुआ, पता नहीं कैसे टूट गया बैठे बैठे यार। तो गाइस अभी हमने अपनी KTM RC 390 को कोल्ड स्टार्ट कर दिया है, चलो बीमर को भी कोल्ड स्टार्ट करते हैं। हाँ फोन कर रही है यार, कौन फोन कर दिए कल? कौन लड़की? शाम को भी कर रही थी, अभी फोन कर। कौन लड़की? वो जिसको फोन दिया था लेके। क्या क्या बोल रही है? बोल रही है मेरे को बात कर रही। नंबर कहाँ से आया उसके पास? भाई बिल पे नहीं था मेरा नंबर। अच्छा बिल पे था। हाँ फोन कर रही है बार बार, परेशान कर दिया सुबह से, मेरे को मिलना मिलना है वो यहाँ। हुआ क्या है? नीचे जो कार वॉश नहीं है, हाँ वहाँ पे बोल रही मेरे को बात करनी, आओ मैं यहाँ पे। क्या बात करनी है पता नहीं, कोई नहीं मिलते हैं, बुला ले उसको नीचे, बुला ले बोला मारे हैं नीचे। सो गाइस चलो अभी बीमर को भी कोल्ड स्टार्ट कर देता हूँ यार, इसको बहुत टाइम हो गया हुआ है, स्टार्ट भी नहीं किया हुआ है। तो हालत देखो भाई इसकी, भाई मैं सोच रहा हूँ गाड़ी को बेच देता हूँ यार, इसको मैं चलाता ही नहीं हूँ, ऐसे लेके रखी हुई है, ख़राब हो जाएगी ऐसे पड़े पड़े यार। डस्ट देखो अंदर, डस्ट देख रहे हो गाड़ी में, डस्ट देख रहे हो कितनी डस्ट हो गई हुई है, चलाता ही नहीं है यार इसको कोई भी। सो गाइस अभी हमने अपनी बीमर को कोल्ड स्टार्ट कर दिया हुआ है यार, ये बेचारी ऐसी पड़ी रहती है एक जगह पे, इसको ना कुछ चलाता है ना कुछ यार। मैं सोच रहा हूँ अपनी गाड़ी बेच देता हूँ यार, कोई बाइक लेता हूँ दूसरी, इसमें धूल ही धूल होगी हुई है यार। गाइस अभी सैम बोल रहा है, वो लड़की कॉल कर रही है जिसको हमने फोन दिया था ना, पता नहीं क्या सीन हुआ यार। चलते हैं नीचे उधर भी, हाँ मैंने कॉल नीचे ही है। कहाँ पे? कोई नहीं चलते हैं, चलते यार इसमें क्या इमरजेंसी है, निकाल बाइक को बाहर निकाल। सो गाइस अभी अपनी बाइक भी कोल्ड स्टार्ट हो चुके हैं, दो बार चढ़ चुके हैं, निकालो इसको पार्किंग से बाहर, मैं बीमर को कोल्ड स्टार्ट कर लूँ। गाइस इसको फुल जेट ब्लैक कराना है वापस से यार, निकालेंगे आज निकालेंगे इसको पक्का, ठीक है। पर जेट ब्लैक जब करवाना होता है ना तब दिन दिन में जाना होता है, कोई 12 बजे ठीक है, तो मैं उठता ही 2 बजे हूँ, मैं कहाँ से 12 बजे जाऊँ। कल मैं जल्दी उठूंगा ना तो इसकी मॉडिफिकेशन करवाएंगे, पूरे शीशे इसके जेट ब्लैक करवाएंगे, और भी 2-3 काम करवाने हैं मैंने इसमें। गाइस आपको पता है जब हम अपनी बीमर की मॉडिफिकेशन करवा रहे थे ना, मैंने कार्बन डिप करवाना था ग्रिल्स पे, ठीक है, ये दोनों ग्रिल्स पे कार्बन डिप करवाना था, एंड इस पे भी कार्बन डिप करवाना था। तो गाइस मेरे साथ क्या हुआ था मैं आप लोगों को बताता हूं, मैंने उन लोगों को तीनों चारों चीजें खोल के दी थी कार्बन डिप करवाने के लिए, ठीक है। तो उन गधों ने क्या किया भाई, इसको अच्छे से फिट ही नहीं किया, तो जब मैंने गाड़ी चलाई ना वो सारी उड़ गई, ये भी उड़ गया था आगे वाला एक साइड का, ये भी उड़ गई थी ग्रिल। तो गाइस ये भी मैंने ऑर्डर पे लगाई हुई है, ये दिल्ली से आनी है यार, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है टूटा हुआ है यार, दिल्ली में चीजें नहीं मिलती है कसम से, मैंने कब से ऑर्डर डाला हुआ है अभी तक मेरे पास चीज नहीं आई हुई है। तो अभी इसको 10 मिनट अच्छे से कोल्ड स्टार्ट रखते हैं, फिर शाम को इसको निकालेंगे, ठीक है। तो अब इसको कर दो बंद। गाइस इसको हर अल्टरनेट डेज एटलीस्ट स्टार्ट करना चाहिए अगर आप इसको चलाते नहीं हो, ठीक है। तो अभी हमने कर दिया बीमर को बंद, तो चलो अभी निकलते हैं गाइस। वो चेक करो गाइस क्या खतरनाक सूरज निकला हुआ है भाई आज। कहाँ खड़ी है भाई वो लड़की, कहाँ पे? जो अलमारी नहीं है, हाँ नीचे
अच्छा अच्छा अच्छा। सो फाइनली गाइस अभी हम निकल चुके हैं घर से, देखते हैं भाई क्या सीन हो गया हुआ है। गाइस आप लोग ना कमेंट सेक्शन में गेस करना कि इस बार जो हल्का रैप है वो किस कलर में होने वाला है, ठीक है। मैं आपको बता दूं पहले ही, ठीक है, दो या तीन कलर्स को कॉम्बिनेशन होने वाला है। गाइस जो बंदा कॉम्बिनेशन सही गेस करेगा ना मैं उसका कमेंट पिन करूंगा, ठीक है। तो अच्छे से सारे कमेंट करना, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे कार वॉश तो आगे, कहाँ पे रुकी है भाई लड़की ये, यहाँ पे क्या हो गया? हाँ जी, हाँ जी, आपने मेरी वीडियो डाल दी है YouTube पे। वीडियो? हाँ। आपको बताया तो था मैंने, मैं व्लॉगर हूँ। मेरे घर वालों ने वीडियो देखी है। अच्छा। वो मेरे को बेइज्जती कर रहे थे, मेरे को बहुत गुस्सा उन्होंने किया घर से। अच्छा, क्यों, पर किस चीज पे? यही कि मैंने आपसे फोन लिया, आपने अच्छा लेके दिया। अच्छा, तो आपको ये पैसे किस चीज के? नहीं, आपको पता नहीं था कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा तो कैमरा ऑन ही था, मैंने आपको बताया भी था कि मैं व्लॉगर हूँ। क्या थी? अच्छा, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि वीडियो बना दी तो क्या प्रॉब्लम हो गई? वीडियो नहीं मैं डिलीट करूंगा, वीडियो क्यों डिलीट करूंगा मैं, मतलब उसमें कुछ गलत तो नहीं बोला ना आपके लिए, जो इंसिडेंट हुआ वही डाला है। मेरे घर वालों ने वीडियो देखी है, मेरी इतनी बेइज्जती हुई है घर पे। तो आपको खुद अकल नहीं थी कि आपको तब नहीं करना चाहिए था ऐसा? मैं आपको समझा तो, पैसे की बात नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसों को आप अपने पास ही रखो। आप वीडियो की, नहीं आप वीडियो की बात करो ना। नहीं नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैंने आपको, वीडियो छोड़ो ना, वीडियो क्यों डिलीट करूं मैं, उसमें कुछ गलत आपको कुछ अब्यूजिव मैंने कुछ बोला? यार ये क्या बात कर रही है यार, आपको नहीं पता था मैं वीडियो बना रहा हूं, आपने मुझे तब मना किया तो मैं नहीं डालता वीडियो। आपने कहा था मैं यूट्यूबर हूं, बट मोस्ट टाइम पे गुस्से में थी, मैंने नहीं सुना। आपको यहां पे रेड लाइट जलती है ये नहीं दिख रही थी आपको? मैंने नहीं देखी। क्या बात कर रहे हो, अच्छी भली सबको दिखती है, अब आप जानबूझ के हर चीज का वो बना रहे हो। वीडियो में कुछ हमने ऐसा कुछ गलत डाला है आपके लिए, अब्यूजिव कुछ डाला है तो आप बताओ, मैं अभी ट्रिम कर देता हूँ उसको, डिलीट मैं नहीं कर सकता, मेरी रीच पे इफेक्ट करता है। वीडियो डिलीट नहीं हो सकती, वीडियो अगर डिलीट करो रीच पे इफेक्ट पड़ता है। पैसे नहीं चाहिए मुझे, पैसे क्या करने हैं मैंने? नहीं नहीं पैसे मुझे चाहिए नहीं, पैसे करने क्या है, आप अपने पास ही रखो। पहले आपको अगर अक्ल होती तब आप लेते ही नहीं पहले, मतलब जब मैं आपको बोल रहा था 3000 में वो फ़ोन रिपेयर होता है, आप कंपनी से करवा लेते हैं। हाँ जी, फ़ोन तोड़ दोगे? क्यों क्यों तोड़ोगे यार? आप ठीक हो, आप मतलब मेंटली स्टेबल हो, क्या चक्कर है भाई ये? आप फोन तोड़ दोगे? फोन तोड़ दूंगी। क्यों तोड़ोगे फोन? तोड़ दूंगी मैं। यार ये क्या हो रहा है भाई? फोन क्यों? देखो मेरी बात सुनो, ये पकड़ो आप पैसे, अपने पैसे, एक मिनट पकड़ो ना इनको, पैसे पकड़ लो ना, ये यहाँ पकड़ो, आपके पैसे हैं, ठीक है, फोन मत तोड़ो। मैंने आपसे फोन लिया है, गलती हो गई उस टाइम पे, आपकी भी गलती थी। मैंने बोला मेरी गलती थी, मैंने कब एडमिट नहीं किया कि मेरी गलती नहीं थी? बट आई एम सॉरी ना, मेरे को घर से बेइज्जती पड़ी है, मैंने आपसे फोन लिया। ठीक है आप सॉरी हो मेरे लिए, ठीक है मैं नहीं पैसे वापस लूंगा, कोई बात नहीं है। जहाँ तक वीडियो की बात है, अगर वीडियो में आपको कुछ लगता है कि कोई अब्यूज़, वीडियो क्यों डिलीट करनी पड़ेगी, ये क्या बात कर रहे हो आप? वीडियो नहीं डिलीट कर सकते, आपको पता है हम व्लॉगर हैं, हम वीडियो डिलीट नहीं कर सकते। मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। यार आप बार बार पुलिस की बात क्या करते रहते हो, मतलब पुलिस कंप्लेन, हम कोई चोर है या डाकू? चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल लो, उसमें कोई गलत बात थोड़े ना है। क्यों करूँगा वीडियो डिलीट में? पैसे भी आपको रखने पड़ेंगे। यार फोन क्यों तोड़ोगे यार, क्या हो गया? आप मैं तोड़ दूंगी फोन, आपको पैसे रखने पड़ेंगे भाई। यार ये क्या चक्कर है भाई? देखो अगर आप वीडियो दिखाना, एक मिनट यार वीडियो खोल, अगर आपको वीडियो में कुछ अब्यूजिव लग रहा है, एक मिनट रुको मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, एक मिनट रुको आप वीडियो देखो पूरी, अगर वीडियो में आपको कुछ अब्यूजिव कुछ गलत लग रहा है तो आप एक बारी वीडियो देख लो। मेरे फोन से नहीं देख सकता मैं अपनी वीडियो, किसी और से लगाओ। मेरे को वीडियो नहीं देखनी। वीडियो देखी है ना आपने? पूरी वीडियो देखी है? उसमें कुछ गलत बोला आपके लिए? मतलब मेरी वजह से बेइज्जती हुई? हाँ हाँ, तो आपको ये पहले नहीं पता था कि मुझे फोन नहीं लेना चाहिए? चलो कोई बात नहीं, आप सॉरी फील कर रहे हो, मैं बिल्कुल आपकी सॉरी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है कोई सीन नहीं। तो पैसे भी ले लो। पैसे नहीं मैं लूंगा, पैसे क्यों लूँ मैं, मतलब दे दिया मैंने कोई चीज़, आप गिफ्ट समझ के रख लो, मेरे को नहीं चाहिए पैसे। आप गिफ्ट समझ के रख लो, सुनो मेरी बात, आप गिफ्ट समझ के रख लो, पैसे नहीं मैं लूंगा, पैसे नहीं मैं अब लूंगा, आप गिफ्ट समझ के रख लो। आगे से ये रियलाइजेशन रखना, ठीक है, कि अगर किसी से गलती हो जाए तो एक्सीडेंटली होता है, कोई मतलब जानबूझ के तो करता नहीं ना। बस वीडियो का आप देख लो, अगर उसमें आपको कोई पार्ट ऐसा लगता है जिसमें मैंने कुछ मतलब गलत बोल दिया, जितना मुझे याद आ रहा है कुछ भी गलत पार्ट नहीं डला है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ गलत डल गया हुआ है, कुछ गलत हो गया हुआ है, तो आप मुझे बता दो, वो मैं ट्रिम कर दूंगा। यार आप हर जगह बच्चों जैसी बातें ही करते हो, या कहीं मतलब सेंसिबल बात करो ना यार, कोई वीडियो कैसे कोई डिलीट करेगा आपका पार्ट? प्लीज वाली बात नहीं है, अगर आपका कोई पार्ट जो आपको गलत लग रहा है, जिसमें कुछ गलत हुआ है, वो मैं ट्रिम कर देता हूँ यार, वीडियो डिलीट नहीं कर सकते, हमारी रीच पे इफेक्ट पड़ता है। चल बैठ यार सैम, ठीक है आप जाओ, कोई बात नहीं, जाओ आप घर जाओ।
फोन नहीं तोड़ना, पागल हो, फोन क्यों तोड़ रहे हो, क्या हो गया आपको? नहीं फोन क्यों तोड़ रहे यार, फोन दो इधर, पकड़ यार फोन, आप ठीक हो? फोन दो दो यार, इधर आओ, मेरी बात सुनो, इधर आओ पास, मैं आपको पता है क्या बोल रहा हूँ, अगर वीडियो देखो, अगर आपको वीडियो में कोई ऐसा पार्ट लग रहा है जो थोड़ा गलत लग रहा है आपको, मैं वो ट्रिम कर देता हूँ, आपको पूरी वीडियो डिलीट करानी है तो मैं क्यों करूँगा पूरी? आप रखो फोन के, मैंने आपसे फोन लिया है तो आपने मेरे को फोन लेके दिया है तो मेरे को बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है। गिल्टी फील हो रहा है तो आप मेरी बात सुननी चाहिए ना, आपको गिल्टी फील हो रहा है अगर, तो आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो, आपने मुझे सॉरी बोला, मैंने सॉरी एक्सेप्ट कर लिया, अब आपको एटलीस्ट मेरी बात तो सुननी चाहिए, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। मैं आपको ये बोल रहा हूँ एक बारी पूरी वीडियो देख लो, अगर वीडियो में कुछ गलत लग रहा है, कोई ऐसी चीज लग रही है आपको जो आपके सेंटीमेंट्स को हर्ट कर रही है, आप मुझे बताओ, मैं उसको क्रॉप कर दूंगा, ट्रिम कर दूंगा, वो नहीं दिखेगी वीडियो में। पर अब आप बोलो मैं पूरी वीडियो डिलीट कर दूं, वो थोड़े ना सही चीज है, वो तो मेरी रीच पे इफेक्ट करे यार, ये क्या बच्चों वाली बात है। नहीं पकड़ने पैसे यार मुझे, आपको पहले अकल होनी चाहिए थी, आपको लेना नहीं चाहिए थे। सॉरी, अरे सॉरी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ आपका, मैंने बोला ही नहीं सॉरी, पैसे नहीं मैं लूंगा। आप ये करो, आप अगर गिल्टी फील कर रहे हो, आप सॉरी फील कर रहे हो, मैं आपका सॉरी ले ले रहा हूँ। आप मुझे बस अभी वीडियो का मसला है ना, आप वीडियो बताओ, वीडियो में अगर कोई इशू होगा, ठीक है, नंबर है आपका इसके पास, कहाँ से लिया था नंबर, वो बिल पे था, ठीक है, तो इसको कॉल कर लेना, आप बोलना ये यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रिम कर दो, मतलब इतने इतने मिनट से लेके इतने मिनट तक ट्रिम करो। अब आप अंडरस्टैंड करोगे, मेरी बात सुन तो लो एक बारी पूरी, आप इसको कॉल करना, बोलना इतने मिनट से इतने मिनट तक मुझे इस सेगमेंट में प्रॉब्लम है, आप इसको क्रॉप कर लो या ट्रिम कर लो, मैं वो हटा दूंगा, ठीक है। बाकी आप अभी जाओ, हम बाद में बात करते हैं, अभी मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, मैं कहीं काम पे जा रहा हूँ, ठीक है। नहीं नहीं पैसे नहीं है, थैंक यू, आप रखो। अरे यार तो इधर यार, ये क्या कर रहे हो आप, ठीक हो आप, ठीक हो आप, ठीक हो सैम, बैठ यार पीछे, यार फोन, यार सुनो मेरी बात, देखो मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे पास रोज़ टाइम नहीं आपसे बहस करूँ दो घंटे बैठ के इधर, आपको मैं ये बोल रहा हूँ, आप एक बारी वीडियो देख लो, मैं आपको मजाक लग रहा है, आप मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे हो यार, इसको समझा यार भाई, मैं वीडियो में तोड़ दूंगी, आपको पैसे तो लेने पड़ेंगे यार। पैसे क्यों लूँ मैं, क्योंकि मैंने आपसे फोन लिया है, ठीक है, फिर मैं पैसे ले लूंगा तो आप, बुरा लगना चाहिए, मैं तभी पैसे नहीं ले रहा हूँ, आप एटलीस्ट आगे किसी के साथ वैसे ट्रीटमेंट नहीं ना करोगे। मैंने सॉरी एक्सेप्ट कर लिया आपका, आपको वीडियो का इशू है, आप मुझे वीडियो बताओ कहाँ से कहाँ तक ट्रिम करनी है, मैं ट्रिम कर दूंगा। आप इसको बता देना कितने सेगमेंट से कितने सेगमेंट तक करना है, ठीक है, मैं कर दूंगा ट्रिम। चल यार टाइम नहीं है इतना मेरे पास भाई, इतना वेला थोड़ा रोज दो दो घंटे बहस करता रहूंगा यार। भाई मेरे को सुबह से फोन करके परेशान कर दिया, नीचे आओ मेरे को बात करनी है। हाँ क्या बात करनी है इसमें यार भाई, कर लो पुलिस कंप्लेंट जाके भाई, हम कोई चोर है कि पुलिस से डरते हैं, हमने कुछ गलत किया ही नहीं भाई, पूरे प्रूफ्स हैं, पूरी वीडियोस हैं मेरे पास, मैंने कोई गलत थोड़ा ना किया किसी के साथ। अब बोल रही है वीडियो डिलीट कर लो, इसको पहले नहीं पता भाई कैमरा चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है, सामने रेड लाइट जलती है, इतनी बड़ी रेड लाइट जलती है, सबको पता है भाई वीडियो बन रही है। गाइस मुझे पता क्या सीन हुआ होगा, इसके घर वालों ने वीडियो वगैरह देखी होगी ना, तो इसको डांट रहे होंगे भाई तूने क्या किया, पैसे क्यों लिए, तो भाई उसमें मेरी थोड़ा ना गलती है, जो इंसिडेंट हुआ वो मैंने शूट करके यूट्यूब पर डाल दिया, उसमें मैंने कुछ गलत नहीं किया। हाँ अगर किसी को लगता है भाई इस चीज़ से मेरे सेंटीमेंट्स को हर्ट हुआ है तो मैं उसको क्रॉप कर देता हूँ, उसको ट्रिम कर देता हूँ, अब मैं अपनी पूरी वीडियो तो डिलीट नहीं करता भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे केस कर लो आप जाके, वीडियो नहीं मैं डिलीट करूंगा, वीडियो क्यों डिलीट करूँ, उससे मेरी रीच पर इफेक्ट पड़ता है यार। सुबह सुबह भाई इतनी बहस मेरे को करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है यार, अब लड़की है तो बंदा क्या ही बोलेगा यार, लड़की के मामले में बंदा कुछ भी नहीं बोल सकता आपको पता है। तो अभी चलते हैं यार घूमट चलते हैं सीधा, देखते हैं क्या सीन आगे का भाई। गाइस मैं अपनी न्यू केटीएम आरसी 390 से बहुत ज्यादा खुश हूँ, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि गाइस हम इसको ना ट्यून करवाने वाले हैं, मतलब मैं इसका ईसीयू रीमैप करवाऊंगा, इसमें पावर ट्रॉनिक डालूंगा, पावर ट्रॉनिक डालने के बाद गाइस इसकी पावर है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब गेस करो अगर ये अभी 170 जाती है ना तो पावर ट्रॉनिक डालने के बाद ये 200 टच कर लेगी आराम से। पर गाइस अभी सबसे पहले मुझे हल्को मॉडिफाई करवाना है, फिर हमें एक अच्छा सा मीटअप करना है, ठीक है, फिर केटीएम को देखेंगे। ये देखो भाई क्या लीन मारती है भाई, ये भाई जगा दे वो, ओ भाई आगे ट्रैफिक है वो गंदा वाला यार, पता नहीं किस चीज का है भाई, मुझे खुद समझ नहीं आ रही है भाई, पूरा पुल ही बंद कर दिया हुआ है इन लोगों ने भाई, हो क्या रहा है, ऊपर चढ़ा लूं हैं गाइस। अभी देखो मैं कहां पे बाइक चला रहा हूं भाई, सैम फंस गया भाई, बाइक नीचे कैसे उतारे यार, मौजू हो गया गाइस, सैम है इधर ही कर तू पार्क है,
जंप ही करवानी पड़ेगी, उतर जा तू उतर जा भाई। ये आ गया ना बीच में, नहीं तो मैंने निकाल लेनी थी, कोई इशू नहीं था यार। पीछे ट्रैफिक ही इतना भाई, इसको जंप भी कैसे करवाऊं? क्या चल रहा है? ठीक हो भाई? भाई ट्रैफिक खत्म ही नहीं हो रहा भाई, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। फोटो लेना है भाई? कहाँ लोगे फोटो, जगह ही नहीं है यार। ले लो ले लो, आराम से लगी तो नहीं? ठीक है भाई, ओके टेक केयर। ये क्या है? हाँ ये बाहर है भाई। भाई बाइक की चेस्ट देख रहा यार। ओ पास आना पास आना गाइस, ये देख रहे हो भाई, ये क्या हुआ है? ये दिल तो नहीं है, हार्ट तो नहीं है? ये हार्ट है भाई, सर्जरी होगी यार। ध्यान रखो भाई, ध्यान रखो ठीक है। इस पे मतलब आगे वजन वगैरह मत रखना, उल्टा हो गया मत सोना ठीक है। ओके भाई ध्यान रखो यार। कुदाली 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 भाई कुदाली, पोपट हो गया भाई। गाइस मेरे को 10 मिनट लग गए टनल में, आपको पता है इतना ट्रैफिक है भाई। जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो भाई को, रेस लगानी है मेरे साथ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हेलमेट नहीं पहनी आपने भाई, रेस मत लगाओ यार। भाई टेस्टर वाले ने ब्रेक मार दी, शुक्र है वहां पे जगह दी, मैं निकल गया नहीं तो बचता दौर से। ये देखो भाई इस टाइम जो यहाँ पे व्यू होता है ना वो बहुत खतरनाक है, देखो क्या प्यारा व्यू है। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं गुम्मट में, तो गाइस यहाँ पे कहीं पे पार्किंग करते हैं, पार्किंग की जगह ही नहीं मिलती है यार। ऊपर लगा देता हूँ रुक, गाइस यहाँ पे पार्किंग करते हैं। ओके ओके हेलो, क्या हाल है भाई? A few moments later. So guys, अभी जो हम काम करने के लिए आए थे गुम्मट में वो हो चुका है ठीक है। अभी हमने ऑर्डर पे सामान लगा दिया हुआ है ठीक है, अभी देखते हैं यार कितने दिनों में आता है। और गाइस मेरा ये फुट रेस्ट भी टूट गया था पीछे वाला, जब हम अपनी कश्मीर राइड पे थे। फुट रेस्ट लगा दिया कहाँ पे है? So guys, ये चेक करो, न्यू वाला फुट रेस्ट भी लग चुका है भाई। ये ऐसे क्यों है? ओए ये ऐसे क्यों है? अच्छा ऐसे ही होता है ठीक है। और क्या लगाया? और गाइस स्नो चेन लगाने के लिए हमने ये सामान खोला हुआ था ठीक है, पीछे वाला सारा सामान खोला था, ये लगा दिया वापस से। तो अब जो दूसरी वाली राइड है वो तो हल्क पे ही होने वाली है, तो इसका तो कर लेते हैं सेट वापस। तो चलो गाइस अभी यहाँ से निकलते हैं, फिर देखते हैं आगे का क्या सीन है। गाइस यहाँ पे देख रहे हो कितना ट्रैफिक लगा हुआ है यार, खराब हो गई है गाड़ी, क्या करना है? धक्का लगाना है? चलो लगाते हैं धक्का, लेकिन आप आगे लगाओगे बैक करके ही होगी। अच्छा थोड़ी हेल्प कर दो, कोई बात नहीं करते हेल्प करते, कोई बात नहीं भैया। तो गाइस इनकी यहाँ पे गाड़ी बंद हो गई हुई है यार, पूरा ट्रैफिक जाम हो गया हुआ है। आपको कैसे पता? हाँ आपको जानता है, जानते हो मुझे? क्या नाम है मेरा? आलियान। हुआ क्या वैसे इसको, बैटरी डेड है? समझ नहीं आ रही, एकदम बंद हो गई। अच्छा अच्छा सेल्फ ले रही है? सेल्फ नहीं ले रही, सेल्फ नहीं ले रही। अच्छा सो गाइस अभी यहाँ पे रुकते हैं यार, फैमिली की हेल्प करते हैं। अंकल एक बार चाबी लगी हुई है अंदर, एक मिनट मैं देखूं, चाबी दिखाना हो जाए मैं बताता। एक मिनट भाई, एक बार सेल्फ देख के देख लेते हैं भाई, हॉर्न चल रहा है भैया? बैटरी डेड है इसकी, बैटरी डेड है, हॉर्न भी नहीं बज रहा है। ऑन रखी थी आपने गाड़ी? ना मैं गाड़ी जोरी से। अच्छा चलाते हुए लाए हो, फिर कैसे बैटरी डेड होगी? हॉर्न भी नहीं बज रहा है इसका, 4 घंटे से चल रहा हूं। अच्छा वही मैं सोच रहा हूँ, पर इसकी बैटरी डेड है। ये देखो ना सेल्फ भी दे रहा हूँ ना, ये देखो गाड़ी बंद हो रही है। हाँ। पक्का बैटरी डेड है इसकी, कुछ बैटरी को प्रॉब्लम है इसकी। बैठो आप बैठो आप बैठो, टायर भी अंदर घुस गया है, टायर भी नाली में घुस गया है। एक काम करो मैं इधर लगाता हूँ भाई, आप लोग उधर से आओ ठीक है। 1 2 3 को सीधी रखो भैया, सीधी रखो। ये बाइक किसकी है भैया? बाइक हटाओ ना, हैंड ब्रेक लगाओ ना भैया, निकल गई ना बाहर ठीक है। पता क्या करेंगे भैया, सीधा लेके ना इसको रिवर्स पे डाल के गियर में करेंगे स्टार्ट ठीक है। लगाओ 1 2 3 चलो चल 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 चलो 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 चलो, सीधी रखो सीधी रखो, थोड़ी राइट साइड लो भैया, राइट साइड लो थोड़ी, लगाओ लगाओ जोर, बस जगह बन गई पीछे तक। इसको रोकना, गाड़ियों को रोकना, पीछे ट्रैफिक जाम है, गियर में भी कैसे स्टार्ट करनी है यार, स्पेस बनानी पड़ेगी, पूरा ट्रैफिक जाम है पीछे तक, आगे भी पूरा जाम है, कैसे होगा? बैटरी की प्रॉब्लम है ना,
मैं भी वही बोल रहा हूँ, बैटरी के इश्यू है। गियर में अभी स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ी सी जगह मिलती ना, मैं कह रहा हूँ आप एक काम करो, स्कूटी ऐसे लगाओ, स्कूटी नहीं नहीं आप स्कूटी ऐसे लगाओ ना, ट्रैफिक यहाँ रुक जाएगा ना, हम रिवर्स में स्टार्ट कर लेंगे। राइट साइड रखो भैया, थोड़ी राइट रखो, फायदा कुछ नहीं यार, ट्रैफिक नहीं ना चलाओ यार पीछे से भैया, स्टार्ट कैसे करेंगे यार। हैंड ब्रेक लगाओ, हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक लगाओ, भैया एक मिनट रुक जाओ यार, स्कूटी टेढ़ी कर लो यार, स्कूटी टेढ़ी करके रास्ते में लगाओ, करो करो टेढ़ी करो, कर रास्ते में, चलो चलो बस बस बस, कर दो टेढ़ी कर दो, और लगाओ और लगाओ, रास्ते में लगाओ, इधर लो आगे लो, बस हाँ रास्ते में लगा दो इधर, बस ठीक है। अब रिवर्स में लाओ थोड़ा, ठीक है भैया, एक ही बारी में कर रहा, थोड़ा भी और आगे लेते हैं, रुको रुको थोड़ा और आगे लेंगे, थोड़ा और आगे लेंगे, आओ आओ सारे, अब रिवर्स में लो, चलो हट जाओ पीछे से, चलो 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 चलो, मारो 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 मारो, होगी 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 गाइस, मिशन सक्सेसफुल, ओके ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है भैया, ओके टेक केयर, मिलते हैं, ठीक है भाई, ओके टेक केयर, ओके बाबा बाय, फोटो लेनी है ले लो, ठीक है ओके बाबा टेक केयर, ओके सर मिलते हैं। हाँ भाई पसीना आ गया भाई ठंड में, हाँ पर गाड़ी स्टार्ट हो गई, ओके ब्रो टेक केयर, मिलते हैं। हाँ क्या होगी, फिर से बंद होगी, रोक रोक कोई बात नहीं, करते फिर से स्टार्ट करते हैं। भैया भैया उसको वहीं रखो, स्कूटी को वहीं रखो, ले लो ले लो ले लो, जैसे लगी थी ना भैया वैसे ही लगाओ, इधर आ जाएगा कोई, मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ बस 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 इधर से ले लो, इधर से ले लो, थोड़ा लेफ्ट साइड कर लो भैया, बस ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाएगी हो जाएगी, इतने में रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चलो चलो चलो, लो लो सीधा लो सीधा लो, ओ यार भैया ना आ जाए बीच में यार, होगी स्टार्ट होगी, स्टार्ट होगी ना, आप नहीं करना बंद, ओ भाई स्टार्ट है ना भैया, अभी बस इधर रखो थोड़ी देर, ऐसे ही रखो कोई चक्कर नहीं, न्यूट्रल रखने हैं दो मिनट, जोर से उठाना जोर से, हाँ सही है सही है सही है, बस ठीक है ठीक है ठीक है सर, अब इसको ऐसे ही रखो ठीक है, चल 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 गाइस, दो बारी गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ा यार,